हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यू। टुडे विल बी डिस्कस एक्सरसाइज 6.3, चैप्टर 6, लाइन एंड एंगल्स, क्लास 9th। स्टूडेंट, आज भी इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, और जो प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर की, हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट नाउ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू 90 डिग्री एंड एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल टू 410 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल टू 10 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यहाँ पर देखिए, ये दो कंडीशन है, एंगल पी प्लस क्यू 90, एंगल पी माइनस क्यू 10 डिग्री। हमें ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनको क्या करना है, फाइंड करना है सभी एंगल को। तो स्टूडेंट ये देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम अगर इन दोनों को प्लस कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, देन एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 90, एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट, जब हम ऐड करते हैं तो साइन नहीं चेंज होता है, तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये क्यू कैंसल हो गए हैं, 2 एंगल पी इक्वल टू 100। ओके, देन एंगल पी इक्वल टू 100/2 50 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? एंगल क्यू हमने यहाँ पर, एंगल पी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, एंगल पी हमने फाइंड कर लिया है। अब रिमेनिंग जो टू क्वेश्चन हमारे पास हैं, एंगल क्यू एंड एंगल आर फाइंड करने हैं हमें। इस एंगल पी की जो वैल्यू 50 डिग्री, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड किसी में भी, तो हमारे पास एंगल क्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो वैल्यू ऑफ पी सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल पी इन इक्वेशन फर्स्ट, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 90, ये है इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट। इसमें हम पी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू 90, देन एंगल क्यू इक्वल टू 90 माइनस 50, 40 डिग्री। तो एंगल पी एंड एंगल क्यू को हमने फाइंड कर लिया है, अब रिमेनिंग एंगल है आर जिसको हमें फाइंड करना है, और उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यूज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसी का हम यूज़ करेंगे।
इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 ए एस पी। एंगल पी 50 डिग्री, एंगल क्यू 40 डिग्री, एंगल आर, सो एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस 90, देन एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, क्लियर? एनी डाउट? नो। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, ये दो इक्वेशन थी जिनको हमने यूज़ किया, सॉल्व किया, और हमने ट्राइंगल पी क्यू आर के एवरी ईच एंगल, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, तीनों ही एंगल को हमने फाइंड कर लिया है। एंगल पी 50 डिग्री, एंगल क्यू 40 डिग्री एंड एंगल आर 90 डिग्री। ओके, सो डिस्कस अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज इन फिगर 2QT perpendicular PR, एंगल टी क्यू आर 40 डिग्री, एंगल एस पी आर 30 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। ट्राइंगल इस टाइप का है स्टूडेंट, देखिए ये फिगर है पी क्यू आर। पी एस इज ए लाइन एंड क्यू टी इज अनादर। एंगल 40 डिग्री, दिस एंगल वाई एंड दिस इज एक्स। सो फाइंड द एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ट्राइंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर में 90 डिग्री 40 डिग्री थर्ड एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं एक्स को। सो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 180 ए एस पी। ओके, टी क्यू आर 40, 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, और थर्ड एंगल आर जिसको कि हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 50 डिग्री। स्टूडेंट इसके बाद हमें वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। ये 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, एंगल वाई एक एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन ए ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर में जो टू अपोजिट एंगल हैं इनके सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल, तो इसी का हम यूज करेंगे यहां पर। एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू
इक्वल टू एंगल आर पी एस या एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस बाय थ्योरम, पी एस क्यू इसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, सो वाई इक्वल टू 30 प्लस एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी स्टूडेंट 50 डिग्री, देन वाई इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट यहां पर हमने एक्स की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है और वाई की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। सो आई होप दैट स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।